नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव, प्रोपराइटर शिवांश मोटर व ई रिक्शा विक्रेता सो मोटर्स बहराइच से अपने जिले के सभी नागरिकों व अपने सभी व्यापारी भाइयों एवं समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जौनपुर जफराबाद विधानसभा के अंतर्गत नेवड़िया ग्राम सभा में अपना दल यस पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के रीति नीति के बारे में और शोषित दबे कुचले कमेरा समाज के लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सक्रिय सदस्य विजय मुदन माल अवधेश पटेल, महानंद बिंद, सहायक जिला अध्यक्ष उदय प्रताप पटेल, जिला महासचिव चंद्रशेखर पटेल, युवा मंच लाल बहादुर पटेल और ग्राम सभा के महिला पुरुष ने सदस्यता ग्रहण किया। चैनल में आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज आपको लेकर चलते हैं जौनपुर मड़ियाहूँ तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है नेवढ़िया। और आज इस नेवढ़िया ग्राम सभा में अपना दल यस के द्वारा सदस्यता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस सदस्यता कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, बनारस से वाराणसी से चल के आए हुए हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री नरेंद्र पटेल जी हमारे साथ में हैं। आइए हम चलते हैं और सीधे अपने खबर शिवंशी चैनल के माध्यम से उससे जानकारी लेंगे कि जो यह आपका जो सदस्यता का यह कार्यक्रम चल रहा है, इस सदस्यता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सदस्यता का मुख्य उद्देश्य हमारे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भैया आशीष सिंह पटेल जी और हमारी प्रिय दीदी पूर्व मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुझे सदस्यता प्रभारी के रूप में जौनपुर की धरती पर भेजा गया है। मैं कल से ही जौनपुर में डाक बंगले में बैठक किया था और जिले के सभी पदाधिकारी वहां उपस्थित हुए थे और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई राजनाथ सिंह पटेल जी की अध्यक्षता में वहां बैठक हुई। और इस जिले के प्रत्येक विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी विंगों के पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। बिल्कुल अध्यक्ष जी, एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब आप आ रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिले में आ रहे हैं, जैसे आप जौनपुर के प्रभारी बनाए गए, तो जब आप गाँव में जाकर सदस्यता कर रहे हैं तो उस समय क्या महसूस कर रहे हैं, लोगों के अंदर क्या भावना आ रही है इस अपना दल यस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद? लोगों को अब अपना दल पार्टी की सदस्यता लेने बहुत खुशी महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि ये कोई पार्टी है जो पहली बार हम लोगों के बीच आकर के सर्व समाज की बात करिए, कमेरा समाज की बात करिए, गरीब और शोषित समाज के लोगों की बात करिए, सबके हक को लड़ने की बात करिए। इसलिए बड़े उत्साह के साथ अपना दल का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज इस नेवढ़िया गाँव सभा में उसी कड़ी में आज 10 लोगों ने अपना दल का सक्रिय सदस्य बने हैं, जिसमें हमारे बिंद समाज के भी लोग हैं, जायसवाल समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं। आज बड़े उत्साह के साथ अपना दल के सदस्यता रहे हैं और अपना दल की रीति नीति से प्रभावित हुए हैं और हमारी नेता अनुप्रिया पटेल और भैया आशीष सिंह के व्यवहार से प्रभावित हैं, उनके विचारों से प्रभावित हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से जिस तरह से संगठन का विस्तार हो रहा है, ऐसा लगता है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है क्या, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ऐसा यह है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए सदस्यता अभियान समय समय पर चलाया जाता है और देश की जो बड़ी पार्टियां वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है, हम भी चला रहे हैं। ये तो चुनाव समय की बात है, लेकिन अपने संगठन को मजबूती के लिए हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर शिवंशी न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, नेवढ़िया जौनपुर।